सो हेलो एंड वेलकम माई फ्रेंड्स, और आज मैं आप लोगों को रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 411 का एक कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूँ। दोस्तों, फिलहाल कुछ ही दिनों पहले हिमालयन स्क्रैम 411 लॉन्च हुआ है, और जैसे कि आप लोग जानते ही है दोस्तों, इस वीडियो में भी आपको दिख जाएगा कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम नॉर्मल हिमालयन का एक स्ट्रिप डाउन मॉडल है, और ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जिन लोगों को एक हार्ड कोर ऑफ रोडर को छोड़ के या फिर एक डुअल पर्पस मोटरसाइकिल को छोड़ के कुछ सिटी फोकस्ड और एक थोड़ी सी कम बजट में एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए, उन लोगों के लिए स्क्रैम एक बहुत ही बढ़िया सा चॉइस रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें वही हिमालयन के साइकिल पार्ट्स लगाए गए हैं, लेकिन ये 10,000 रुपये कम महंगा है हिमालयन से, और इसमें आपको वही लुक एंड फील देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे चेंजेस के मामले में आपको कोई जेरिकैन होल्डर्स नहीं मिलेगा आगे की तरफ, और इसमें हेडलैम्प का जो फ्रंट हिस्सा है यानी कि हेडलैम्प का जो एप्रन है वो अलग है, कोई विंडशील्ड यहाँ पे नहीं दिया गया है, डिफरेंट मीटर कंसोल आपको मिलेगा, स्प्लिट सीट नहीं मिलेगी, थोड़ी सी लोअर सीट हाइट होगी, और स्मॉलर डायमीटर फ्रंट टायर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशंस बाकी सब कुछ सेम है, और इसके अगर प्राइस को देखें तो अराउंड 2.42 से लेकर 2.48 लाख, यानी कि 2,42,000 से लेकर 2,48,000 का इसका प्राइस है इन कोलकाता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट अर्जित, और मैं ये वीडियो शूट किया हूँ शाह डिस्ट्रीब्यूटर्स कोलकाता में। शोरूम की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे अगर हम इंजन की बात करें तो सेम हिमालयन का ही इसमें इंजन लगा हुआ है, और ये एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 411 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, और इसमें आपको पावर मिलेगा 24.3 BHP एट 6500 RPM, और टॉर्क मिलेगा 32 Nm एट 4250 RPM। दोस्तों, इसमें हाफ ड्यूप्लेक्स स्प्लिट क्रेडल फ्रेम लगाया गया है, और ये 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। टॉल गियर्स रेशियो है, तो आपको अच्छी तरीके का यहाँ पे गियर शिफ्टिंग देखने को मिल जाएगा। और ये जो गाड़ी है दोस्तों, इसमें आपको नकल गार्ड्स और इंजन गार्ड लगाया हुआ मिल जाएगा, यानी कि फिटेड गाड़ी है पहले से, और इसमें आपको इंजन बैश प्लेट मिल जाएगा मेटल का, यानी कि किसी भी तरह के रोड अंड्यूलेशन से इंजन को प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। फुल्ली ब्लैक्ड आउट इंजन है, और आड़ी का यहाँ पे सिल्वर में बैजिंग किया गया है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो ज़रूर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। दोस्तों, फ्रंट के हिस्से को देखें तो इंडिकेटर्स वही है दोस्तों, लेकिन जो हेडलैम्प यूनिट है, हेडलैम्प यूनिट को थोड़ा सा यहाँ पे अलग सा लुक दिया गया है, लेकिन मेन हेडलैम्प यूनिट वही सेम है, और इसमें आपको हैलोजन यूनिट मिलेगा विथ LED पार्किंग बल्ब्स। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप जानती है कि रॉयल एनफील्ड का जो लाइट होता है हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, तो इसमें भी आपको हैलोजन होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी तरीके का रोड इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जो मॉडल है दोस्तों, इसमें सब कुछ फिटेड दिया गया है, तो इसीलिए आपको नकल गार्ड्स मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट है, इसीलिए जब आप ये लेंगे तो आपको अलग से ये फिट कराने का ऑप्शन आएगा, तो आप अलग से फिट करा सकते हैं। तो आगे की तरफ कोई भी विंडशील्ड वगैरह इसमें नहीं आता है, पीछे की तरफ भी देखें तो आपको LED बैकलैम्प यूनिट मिलेगा, और सेम वही इंडिकेटर्स मिलेगा, और इसमें हजार्ड लाइट दिया गया है जिसमें कि चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे हैंडल बार को देखें तो हैंडल बार स्विच गियर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, क्लच पुल थोड़ी सी मुझे ऑन द हेवियर साइड लगा है, और इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों कि ब्रेक और क्लच लिवर्स में एल्युमिनियम की कोटिंग किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे पीछे की तरफ आई का बटन आता है, इससे आप क्या कर सकेंगे कि मीटर कंसोल का जो डेटा है उसको आप टॉगल कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मीटर कंसोल देखें तो ये मीटर कंसोल बिल्कुल ही मीटियोर से लिया गया, जो मीटर कंसोल वही सेम यूनिट दिया गया है, बस इसके ऊपर के जो डिजिट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। बाकी इसमें जो बीच में जो डिजिटल कंसोल आता है उसमें आपको ओडोमीटर, दो अलग अलग ट्रिप मीटर्स, गियर पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेशन और डिजिटल क्लॉक देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ सारे जो टेल लाइट्स होता है जैसे कि न्यूट्रल लाइट, लो बैटरी, ABS लाइट इंडिकेटर, लो फ्यूल और जो साइड इंडिकेटर्स का इंडिकेशन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बाकी इसमें इको इंडिकेटर और सर्विस रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर साइड में आप ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम को लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं एज एन आफ्टर मार्केट एक्सेसरी, तो वो स्टॉक नहीं आता है। इसके बाद 15 लीटर्स का इसमें पेट्रोल टैंक दिया गया है, और पेट्रोल टैंक डायरेक्ट आप हिमालयन से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आगे की तरफ जो कनेक्टिंग रॉड्स रहता है हिमालयन में, वो स्क्रैम में हटाकर इसमें टैंक शाउट्स दिया गया है, जहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलता है। दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया, ये गाड़ी जो है ये ब्लेजिंग ब्लैक कलर में है, और ओवरऑल आपको 7 कलर ऑप्शंस देखने को मिलता है स्क्रैम में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, तो कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। साइड पैनल में देखें तो हिमालयन स्क्रैम 411 की बैजिंग यहाँ पे साइड में दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो वेट है ये टोटल 185 kg का है, तो बहुत ही एक हैवी वेट बाइक है मैं कहूँगा। और सीट को देखें तो सीट हाइट जो है ये 795 mm है, और इसमें स्प्लिट की जगह नॉर्मल यूनिबॉडी सिंगल पीस सीट दिया गया है, तो इसीलिए ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस के
पास ये अपील करेगा क्योंकि सीट हाइट और कम है और सीट की कुशनिंग और ओवरऑल स्पेस बहुत ही अच्छा लगा है। पीछे की तरफ जो ग्रैब हैंडल देख रहे हो दोस्तों, ये भी बिल्कुल स्क्रैम में एक्सक्लूसिव मिलेगा, ये भी हिमालयन से काफ़ी अलग है। और पीछे आपको LED बैकलैम्प यूनिट देखने को मिल जाएगा और पीछे आप बॉक्स वगैरह माउंट कर सकते हो, तो उसके लिए भी प्रोविजन बनाया गया है साइड में। दोस्तों पीछे का जो मडगार्ड है, मडगार्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगा है और ये वही यूनिट दिया गया है हिमालयन की तरह। और साइड में आप देखेंगे दोस्तों कि जो बैग्स वगैरह होता है, सैडल बैग्स, वो माउंट करने की यहाँ पे जगह बनाया गया है। अब दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पे ब्रेक की जगह पे आपको हिमालयन की बैजिंग मिल जाएगी, यानी कि अटेंशन टू डिटेल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके का हुआ है। और ब्रेक में भी आपको शू के लिए ग्रूव्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी की व्हील बेस 1455 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर की इसमें माइलेज अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। अब दोस्तों आगे की तरफ जो सस्पेंशन, ये बिल्कुल सेम वही सस्पेंशन दिया गया है, लेकिन डुअल मडगार्ड हिमालयन की तरह नहीं है। तो आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक 41 mm की सस्पेंशन मिलेगी 190 mm बिगर ट्रैवल के साथ। और फ्रंट व्हील जो है ये दोस्तों, ये भी हिमालयन के 21 इंच की जगह 19 इंच का लगाया गया है। और आगे की तरफ 100/90 सेक्शन का टायर मिलेगा। पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलता है 180 mm ट्रैवल के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे आप अगर चाहे तो ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम अलग से लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टायर प्रोफाइल को देखें तो ये दोनों ही इसमें ट्यूब टायर्स दिए गए हैं, यानी कि स्पोक व्हील्स इसमें दिया गया है, तो इसीलिए इसमें ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टाइप टायर्स है। और हिमालयन में अलॉय व्हील्स अच्छे भी नहीं लगेंगे। आगे की तरफ 100/90 सेक्शन का टायर मिलेगा 19 इंच रिम के साथ। और ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें डुअल चैनल ABS है, लेकिन दोस्तों इसमें स्विचेबल ABS नहीं है, विच इज़ अगेन अ बिग डिफरेंस फ्रॉम हिमालयन। तो आगे की तरफ 300 mm का ड्यूअल पिस्टन, यानी कि 2-piston कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अलॉय फ्रेम के साथ स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। और पीछे की तरफ अगर देखें तो पीछे 240 mm का डिस्क मिलेगा, 120/90 सेक्शन का टायर मिलेगा। और दोनों ही जो टायर्स आप देख रहे हो दोस्तों, दोनों ही इसमें ऑफ रोड छोटे छोटे यानी कि नॉबी पैटर्न के टायर्स दिए गए हैं, तो इसीलिए आप अच्छी तरीके का ऑफ रोडिंग कर पाएंगे। लेकिन बहुत कोई ज़्यादा ऑफ रोडिंग मैं आपको इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा, तो हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। और आप लिफ्टेड एग्जॉस्ट भी है, तो इसीलिए आपको कोई भी रोड अंडुलेशन से एग्जॉस्ट का टकराने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। बाकी दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑन रोड प्राइस 2.42 से लेकर 2.48 लाख से, डिपेंडिंग आप कौन सा कलर लेंगे। और इसकी जो थ्रॉटल है दोस्तों, यानी कि एक्सेलेटर है, उसको थोड़ी सी ट्वीक किया गया है बेटर और पेपी परफॉर्मेंस के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल आपको ये हिमालयन स्क्रैम 411 की ये जो कलर है, ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। गाड़ी भी आपको देखकर कैसा लगा है ज़रूर बताना। दोस्तों हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए बाइक या स्कूटर के साथ। अगर बात करें यहाँ पे सर्विसिंग की, तो सर्विसिंग की भी आपको अच्छी तरीके का प्रोविजन मिल जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस रॉयल एनफील्ड का बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे फिर मिलते हैं, एंड राइड सेफ़।